आश्रम में जाने के लिए भी कोई आधार कार्ड के अनुसार रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य किया जाता है। क्यों? इसी बात को आपको ध्यान से समझना है। ओम शांति। आज ही हम सुना रहे हैं कि ब्रह्म कुमारी आश्रम में जाने के लिए भी सरकारी मान्यता पहचान पत्र की कॉपी जमा क्यों लेते हैं? सरकारी मान्यता पहचान पत्र माना कोई आधार कार्ड या तो वोटर कार्ड, उसके अनुसार रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। इस बात को ना समझने के कारण कई लोग आपस में चर्चा करते हैं कि ब्रह्मा कुमारी में जाने के लिए भी सरकारी मान्यता पहचान पत्र की कॉपी जमा क्यों लेते हैं। आश्रम में तो कोई भी जा सकते हैं, और ये सरकारी मान्यता पहचान पत्र आश्रम में क्या काम में आएगा, कहां लगाता होगा? तो आज यहां हम स्पष्ट कर रहे हैं कि ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाने के लिए भी सरकारी मान्यता पहचान पत्र की कॉपी जमा क्यों लेते हैं। पहली बात आपको ये समझना है, ये बात हम उन्हों के लिए नहीं कर रहे हैं जो यहाँ विजिटर के रूप में आते हैं। विजिटर के रूप में आते हैं और बाहर बाहर से विजिट करके वो चले जाते हैं, उन्हों के लिए कोई रजिस्ट्रेशन करने की या पहचान पत्र की कॉपी जमा करने की उन्हों के लिए जरूरत नहीं है। लेकिन जो यहाँ के कार्यक्रमों का लाभ उठाना चाहते हैं, कोई ट्रेनिंग का कार्यक्रम या शिविर में भाग लेना चाहते हैं, कोई कॉन्फ्रेंस में भाग लेना चाहते हैं, यानी यहाँ ठहर कर कोई लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हों के लिए रजिस्ट्रेशन करना उन्हों के लिए अनिवार्य है। क्यों? इसी बात को आपको ध्यान से समझना है। हालांकि हर संस्था की सुरक्षा के लिए सरकार ने यह नियम बना के रखा कि कोई भी नया व्यक्ति कोई संस्था में प्रवेश करके ठहरना चाहते हैं, कोई आधार कार्ड या तो वोटर कार्ड, उसके अनुसार रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। हालांकि सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को संस्था पहले से फॉलो करते आए, लेकिन कभी किसी की मित्रता से अगर उस नियमों को उल्लंघन करते हैं, अगर सरकार के बनाए गए नियमों को फॉलो नहीं करते, उसका नतीजा क्या होता है, उसकी ही एक घटना आपको सुना रहे हैं। जिस घटना को सुनने के बाद आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। जो माउंट आबू ब्रह्मा कुमारी का मुख्यालय, उसी का ही एक पार्ट ज्ञान सरोवर एकेडमी, जहां पर डॉक्टर निर्मला दीदी वहां के मुख्य प्रशासिका के रूप में थे, और ज्ञान सरोवर का कोई डेडिकेटेड भाई किसी का शक्ल के पहचान से किसी को वहां सेवा में रख दिया था, जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ था, ना कोई सरकार की मान्यता कोई पहचान पत्र की कॉपी जमा ली हुई थी, कुछ भी नहीं लिया हुआ था। और उनकी सेवा भी जहां डॉक्टर निर्मला दीदी जिस कॉटेज में रहते थे उसी कॉटेज में ही उनको सिक्योरिटी सेवा में लगा दिया था और सेवा करते रहे। लेकिन आपको ये मालूम हो, कोई सफेद कपड़ा पहनने से या कोई बैज लगाने से कोई ब्रह्मा कुमार बन जाए, या कोई ब्रह्मा कुमार बनने से ही कोई उनका स्वभाव संस्कार संपूर्ण बदल जाए, ये कोई कह नहीं सकते। उसी की ही एक घटना आपको सुना रहे हैं। जिस भाई को वहां सिक्योरिटी सेवा में रख दिया था, वो सेवा करते रहे, सेवा करते करते कई दिन बीत चुके थे। एक दिन डॉक्टर निर्मला दीदी किसी कारणवश ज्ञान सरोवर से शांतिवन आकर उनको रुकना पड़ा, और हालांकि उनको प्रोग्राम दे गया कि आज हम जाकर शांतिवन में रुकेंगे, और उनको मालूम पड़ा कि डॉक्टर निर्मला दीदी आज रात को आएंगे नहीं, और उसी रात को वो ऊपर का वेंटिलेटर को तोड़कर वो अंदर में घुसकर दीदी की आलमारियां तोड़कर अंदर में जहां पैसा रखा हुआ था, जहां पर कीमती कीमती कोई चीजें रखी हुई थी, वो सारी चीजें लेकर उसी रात ही वहां से भाग गए। अगले दिन जब डॉक्टर निर्मला दीदी वो कॉटेज में पहुंचते हैं और देखते हैं आलमारियां तोड़ी हुई हैं और सारी चीजें, जो पैसा जहां था, जहां चीजें रखी हुई थी, वो सारी चीजें वहां से गायब हो गई, माना चोरी हो गई। कैसे चोरी हो गई? जबकि यहाँ सिक्योरिटी लगी हुई है। जब खोज के तब पता चला वो सिक्योरिटी ही वहां नहीं है। जरूर वो सिक्योरिटी ही ये सारी चीजें लेकर वहां से भाग गए। लेकिन अब सरकार में जाकर जो हम कंप्लेन करें, जिसका कोई डॉक्यूमेंट से नहीं है, जिसका कोई रजिस्ट्रेशन या कोई पहचान पत्र की कॉपी वहां जमा है ही नहीं, और वो कहां से आए थे कुछ भी पता नहीं चला, अब उसको पकड़े भी कैसे? लेकिन अगर कोई सरकारी मान्यता पहचान पत्र की कॉपी जमा लेते हैं या कोई रजिस्ट्रेशन करते हैं, जरूर उसकी छानबान की जाती है और उनको पकड़ में आती है। लेकिन जबकि हमें कोई पहचान पत्र की कॉपी नहीं है,
कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उनका हम पता भी कैसे लगाएं और पकड़े भी कैसे। इसीलिए कोई भी संस्था हो या कोई होटल भी हो, कहीं भी जहां कोई नया व्यक्ति आकर ठहरने की व्यवस्था चाहते हैं, भले कोई एक दिन के लिए भी ठहरने की व्यवस्था चाहते हो, उनको भी सरकारी मान्यता पहचान पत्र की कॉपी देकर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य, ये सरकार का नियम है। और उस घटना के बाद सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों को फॉलो करने के लिए और ही सक्रिय हो गए। इसीलिए ब्रह्मा कुमारी में कोई भी कार्यक्रम होते हैं, अगर कोई कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं, कोई शिविर हो, ट्रेनिंग हो, कोई कॉन्फ्रेंस हो, जहां ठहर कर उसका लाभ उठाना चाहते हैं, तो उनके लिए सरकारी मान्यता पहचान पत्र के अनुसार रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। माना कोई आधार कार्ड या तो वोटर कार्ड, उसके अनुसार रजिस्ट्रेशन करना उनके लिए अनिवार्य किया जाता है। अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ गई तो आपके संपर्क में जो भी है उनको भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि सबके इस नियमों को मालूम पड़े। ओम शांति।